वेलकम बैक फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस कोरिलेशन एनालिसिस एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 4 ऑन कोरिलेशन एनालिसिस। इन प्रीवियस लेक्चर वी वर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन एंड द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। सो फार एज वी हैव डिस्कस्ड that what is correlation, what is the need of correlation, objectives of correlation, types of correlation and the degree of correlation. So we discussed types of correlation ki agar hum baat kare to there is positive and negative correlation, linear and curvilinear correlation, simple, multiple and partial correlation. And if we talk about the degree of correlation means intensity of correlation between two variables, intensity of the relationship existing between two variables or more than two variables, that is degree of correlation. The degree of correlation is perfect correlation, perfect positive हो सकता है, perfect negative हो सकता है, limited correlation and absence of correlation. So degree of correlation is depend on the quantitative value that has been obtained by calculating correlation. So degree of correlation depends on the that quantitative value of correlation. कि जो quantitative value आपने correlation की calculate की है वो value ये बताएगी कि दोनों variable के बीच में relationship कितनी है, what is the extent of relationship between two variables, and it will be defined, it will be decided by the quantitative value that has been obtained by calculating correlation. Ab now in today's lecture we will discuss the methods of correlation. What we will discuss? We will discuss the methods of correlation. Right? तो अगर हम मेथड्स की बात करें तो देयर इज टू मेथड्स। कितने मेथड हैं? दो मेथड, टू मेथड्स। पहला है आपका ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, एंड सेकंड इज मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, पहला हो गया ग्राफिकल मेथड और दूसरा हो गया मैथमेटिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड को भी आप फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला है आपका स्कैटर डायग्राम मेथड और दूसरा है आपका कोरिलेशन ग्राफ मेथड। तो पहले आपने देखा कि दो मेथड हैं कोरिलेशन के, पहला आपका ग्राफिकल मेथड और दूसरा आपका मैथमेटिकल मेथड। अब उस ग्राफिकल मेथड को भी यू कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट स्कैटर डायग्राम मेथड एंड सेकंड कोरिलेशन ग्राफ मेथड। फाइन, लाइकवाइज मैथमेटिकल मेथड को भी आप फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। कितने पार्ट में? तीन भागों में बांट सकते हो। पहला आपका क्या है अगर हम इसकी बात करें तो इसको आप, पहला आपका है कार्ल पियर्सन्स, कार्ल पियर्सन्स कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। दूसरा है आपका स्पीयरमैन, स्पीयरमैन रैंक
कॉफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, और थर्ड है आपका कंकरेंट डेविएशन मेथड। तो हमने ग्राफिकल मेथड को भी दो पार्ट में देख लिया कि पहला है स्कैटर डायग्राम मेथड, दूसरा है कोरिलेशन ग्राफ मेथड। वैसे मैथमेटिकल मेथड को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड। सेकंड स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड, और थर्ड है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। अब इसमें एक अंतर समझ लेना जरूरी है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ग्राफिकल एंड मैथमेटिकल मेथड। इट इज वेरी नेसेसरी। एक्चुअली जो ग्राफिकल मेथड है, चाहे वो स्कैटर डायग्राम हो चाहे वो कोरिलेशन ग्राफ मेथड हो, ये कोरिलेशन को कैलकुलेट करने की मेथड नहीं है। ग्राफिकल मेथड इज नॉट अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। समझना इस बात को कि ग्राफिकल मेथड इज नॉट अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स और मोर देन टू वेरिएबल्स। कि दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, उस रिलेशनशिप को मेजर करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए ग्राफिकल मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड, कैन नॉट बी यूज्ड। ग्राफिकल मेथड सिर्फ जो है, अगर आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करना है तब तो आपको मैथमेटिकल मेथड का ही कोई एक मेथड, चाहे कार्ल पियर्सन हो, चाहे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन हो, या कॉन्करेंट डेविएशन मेथड हो। आप जब कोरिलेशन कैलकुलेट करोगे तब तो इन तीन में से कोई एक मेथड लगाओगे। व्हेन यू विल कम टू कैलकुलेट द कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, यू हैव टू यूज वन ऑफ दीज थ्री मेथड ऑफ कोरिलेशन। लेकिन ग्राफिकल मेथड जो है वो एक बार आपने मैथमेटिकल मेथड के किसी भी मेथड से कोरिलेशन कैलकुलेट कर लिया, तो उस कोरिलेशन को जो आपने कैलकुलेट किया है उसके डिग्री और उसके डायरेक्शन को ग्राफ पेपर पर या पिक्टोरियल फॉर्म में प्रेजेंट करने का जो मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। जैसे स्कैटर डायग्राम है और कोरिलेशन ग्राफ है। कोरिलेशन ग्राफ की बात करें तो एक ग्राफ पेपर पर हम जो भी कोरिलेशन हमने इन तीनों मेथड में से किसी भी मेथड से जो कोरिलेशन हमने कैलकुलेट किया है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कोई उसकी डिग्री उसका एक्सटेंट कुछ भी हो, उसको हम ग्राफ पेपर पर जब हम प्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, तो उसको बोलते हैं कोरिलेशन ग्राफ मेथड। वैसे ही स्कैटर डायग्राम है, मैं अभी करके दिखाऊंगा कैसे स्कैटर डायग्राम बनाते हैं, कैसे कोरिलेशन ग्राफ तो नहीं आज बताऊंगा क्योंकि वो ग्राफ पेपर में बनता है। किसी दिन मैं पीपीटी तैयार करूंगा तो उस पर आपको शो करूंगा। हाँ, आज स्कैटर डायग्राम में बता दूंगा। तो आप ये समझ लीजिए कि जो ग्राफिकल मेथड है वो सिर्फ पिक्टोरियल फॉर्म में या ग्राफ पेपर पर जो कोरिलेशन हमने मैथमेटिकल मेथड से कैलकुलेट किया है उसको शो करने का एक मेथड है, ना कि कोरिलेशन को कैलकुलेट करने का। सो यू कैन नॉट कैलकुलेट कोरिलेशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द कोरिलेशन देन यू हैव टू यूज मैथमेटिकल मेथड। अगर आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करना है तो आपको मैथमेटिकल मेथड यूज करना पड़ेगा, और उसी कोरिलेशन को जो आपने मैथमेटिकल मेथड से कैलकुलेट किया है उसको ग्राफ पेपर पर या उसको पिक्टोरियल फॉर्म में अगर आपको रिप्रेजेंट करना होगा देन यू विल यूज ग्राफिकल मेथड। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राफिकल एंड मैथमेटिकल मेथड। फाइन, अब हम चलते हैं ग्राफिकल मेथड को पहले समझ लेते हैं, स्कैटर डायग्राम मेथड को समझ लेते हैं, कोरिलेशन ग्राफ को मैं बाद में बताऊंगा बिकॉज अभी हमारे पास ग्राफ नहीं है और ग्राफ को इस पर कराना पॉसिबल भी नहीं है। मैं उस पीपीटी में किसी दिन कराऊंगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक लेक्चर बनाऊंगा, उसमें मैं कोरिलेशन ग्राफ बताऊंगा। तो आज हम स्कैटर डायग्राम मेथड को डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहले लिखिए ग्राफिकल मेथड, ठीक। और ग्राफिकल मेथड में भी ए लिखिए अपना स्कैटर डायग्राम मेथड। स्कैटर डायग्राम मेथड में क्या होता है कि जो भी स्कैटर, यू कैन से कि स्कैटर डायग्राम मेथड इज द सिंपल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग एंड रिप्रेजेंटिंग द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। कि जो वेरिएबल्स के बीच में जो भी कोरिलेशन की डायरेक्शन है, डायरेक्शन मीन्स या तो वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, और डिग्री यानी कि कितना कितनी रिलेशनशिप है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेशनशिप, उसको एक्स और वाई एक्सिस पर हम शो करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट एंड विच वेरिएबल इज डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? जो दूसरे वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है ना। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है? कि जो जिसका होना या ना होना उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है। तो दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल इज गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सम अदर वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्फ्लुएंसेस अदर वेरिएबल्स, राइट। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। तो स्कैटर डायग्राम में करते क्या है कि जो भी क्या कहते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उनको तो हम हॉरिजेंटल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पे शो करते हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको हम वर्टिकल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पे शो करते हैं, बाई एक्सिस पे शो करते हैं। कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है आप हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस पे शो करोगे, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनको आप वर्टिकल एक्सिस यानी बाई एक्सिस पे शो करोगे, ठीक है। और उसके अलग अलग वो बनते हैं कि अगर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है तो कैसे स्कैटर डायग्राम पर शो करोगे, परफेक्ट नेगेटिव है तो कैसे स्कैटर डायग्राम पर शो करोगे, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है तो कैसे शो करोगे, हाँ, और अगर लिमिटेड कोरिलेशन है तो कैसे शो करोगे, और लिमिटेड में भी अगर पॉजिटिव है तो कैसे शो करोगे, और अगर आपका नेगेटिव है तो कैसे शो करोगे। तो मैं इस पर लिख देता हूँ एक दो लाइन कि इट इज द सिंपल वे टू रिप्रेजेंट द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, राइट। आगे लिखोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी एक्स सीरीज आर शोन ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल यानी बाई सीरीज आर शोन ऑन वर्टिकल एक्सिस दैट इज बाई एक्सिस। और उसके बाद जो है हम उनकी वैल्यू प्लॉट करते जाते हैं जैसी भी वैल्यू गिवन होती है। ये है हमारा कि इट इज द सिंपल वे टू रिप्रेजेंट द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स
इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम एक्स सीरीज के टर्म में लिखते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई सीरीज के टर्म में लिखते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर शोन ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी कि वाई सीरीज आर शोन ऑन वर्टिकल एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस। ठीक, अब देखिए, अब मैं नीचे यहां शो करता हूं, यहां मैं लिखता हूं डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन थ्रू स्कैटर डायग्राम मेथड। डिग्री और डायरेक्शन स्कैटर डायग्राम के थ्रू आप कैसे शो करोगे? तो मान लीजिए कि आपने कोरिलेशन कैलकुलेट किया एक्स और वाई वेरिएबल्स के बीच में और वो परफेक्ट आया, यानी कि उसका आंसर आया 1, परफेक्ट पॉजिटिव। तो पहला लिखिए आप परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी r इक्वल टू प्लस 1। कोरिलेशन को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे आप शो करोगे? ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल आपका हो गया वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। ठीक, अब अगर आपका परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है यानी आर का आंसर आया है प्लस 1, तो जो आप वैल्यू प्लॉट करोगे वो इस तरीके से करोगे, यानी फ्रॉम लोअर कॉर्नर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड टू द अपर कॉर्नर ऑफ राइट हैंड साइड। वैल्यू कैसे मूव करेंगे? जब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है यानी आर इक्वल टू प्लस 1 है, तो वैल्यू कैसे मूव करेंगे? फ्रॉम, ध्यान से सुनना, फ्रॉम लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू अपर लेफ्ट अपर राइट हैंड कॉर्नर, टू लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू अपर राइट हैंड कॉर्नर इन ए स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ये ऐसे जाएगा यहां से लेके यहां तक, फ्रॉम लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू अपर राइट हैंड कॉर्नर व्हेन द डिग्री ऑफ कोरिलेशन इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक, यही दूसरा हो सकता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, आंसर आया -1, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन यानी आर इक्वल टू -1। तो कैसे आप उसे रिप्रेजेंट करोगे? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड ओरिजिन पॉइंट। अगर आपका आंसर आया -1 यानी कि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है, डिग्री है परफेक्ट, डायरेक्शन है नेगेटिव, यहां डिग्री थी परफेक्ट और डायरेक्शन था पॉजिटिव। अब जब ये सीन होगा कि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा, तो जो वैल्यू मूव करेंगी वो करेंगी फ्रॉम अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर फ्रॉम
अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू लोअर राइट हैंड कॉर्नर इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस वन. ये मूवमेंट होंगे वैल्यूज के फ्रॉम अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू लोअर राइट हैंड कॉर्नर व्हेन डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन इज परफेक्ट नेगेटिव. ठीक है, अब एक हो गया, यानी कि आपकी कोरिलेशन परफेक्ट है, परफेक्ट नेगेटिव है या परफेक्ट पॉजिटिव है. दूसरा आता है लिमिटेड कोरिलेशन. अब मैं ऊपर ये साफ कर देता हूं. लिमिटेड कोरिलेशन, लिमिटेड में भी अगर पॉजिटिव है, अनलिमिटेड में नेगेटिव हो सकता है. तो कैसे होगा, पॉजिटिव के केस में नेगेटिव के केस में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऑरिजिन पॉइंट. ठीक, तो ऐसे ही होगा जैसे ये है और ये है, लेकिन इसकी लाइन थिक लाइन होगी, यानी ये स्ट्रेट लाइन ही होगी फ्रॉम लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू अपर राइट हैंड कॉर्नर, लेकिन ज्यादा एरिया कवर करके चलेंगी वैल्यूज. Like this. कब? जब लिमिटेड कोरिलेशन है लेकिन पॉजिटिव है, वही लिमिटेड कोरिलेशन है लेकिन नेगेटिव है, तो इसी तरीके से लेकिन ज्यादा एरिया कवर करते हुए एक स्ट्रेट लाइन में फ्रॉम अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू लोअर राइट हैंड कॉर्नर. ये करेक्ट. तो दो डिग्री हो गई हमारी, एक परफेक्ट और दूसरा लिमिटेड. अब थर्ड आता है आपका एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, यानी कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. तो मैं इसको यहां बता देता हूं. थर्ड आता है आपका एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन. ठीक, ये इस तरीके से होगा. एक इरेगुलर पैटर्न में, हैफिजर्ड मैनर में होगा. कैसे?
दिस इज द एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, दिस इज एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, दिस इज लिमिटेड कोरिलेशन एंड दिस इज परफेक्ट कोरिलेशन। तो ये आपका हुआ स्कैटर डायग्राम मेथड। अब नेक्स्ट आपका कोरिलेशन ग्राफ तो मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, वो तो बाद में बताऊंगा। अब नेक्स्ट आपका आता है मैथमेटिकल मेथड। तो मैथमेटिकल मेथड में हमने तीन मेथड बताए हैं, पहला कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सेकंड आपका स्पीयरमैन रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड थर्ड कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। कार्ल पियर्सन हम तब यूज करते हैं जब क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, रैंक कोरिलेशन करते हैं जब क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्वालिटेटिव होते हैं यानी कि दोज कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स डिजिट एंड फिगर्स क्वांटिटी, और कॉन्करेंट डेविएशन डायरेक्शन के बेसिस पे जो है हम कैलकुलेट करते हैं। तो मैथमेटिकल मेथड को वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस मैथमेटिकल मेथड एंड मैथमेटिकल मेथड में भी हम कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिस्कस करेंगे बिकॉज इट इज वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ कोरिलेशन एंड इट डिपेंड्स ऑन एंड द कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन अंडर कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिपेंड्स ऑन द मीन वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको अब मीन निकालना आना चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आना चाहिए। अगर आपको मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना नहीं आता है तो यू कैन नॉट कैलकुलेट, यू कैन नॉट मेजर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अंडर कार्ल पियर्सन्स मेथड। एंड कार्ल पियर्सन्स मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ कोरिलेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ मेथड। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड मीन, नीड टू अंडरस्टैंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कोरिलेशन अंडर कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन एक्चुअली बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन और बायोलॉजिस्ट थे। कार्ल पियर्सन बहुत ही रिनोन्ड स्टैटिस्टिशियन एंड बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसको प्रोपाउंड किया था एंड दैट्स वाई दिस इज नोन एज कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। अब इसको हम और जो डिटेल में कल डिस्कस करेंगे और इसकी इलस्ट्रेशन भी सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, गो थ्रू दिस लेक्चर, इसको समझना, कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।